उस समय महाराजों के क्या चौके लगे। 700 मुनिराज थे, हर घर में चौका था, 7000 से ऊपर चौके लगे। लेकिन अब 700 मुनिराज थे, 700 मुनिराज जैसे हुए, अब 700 मुनिराजों का से चौके खाली गए। तो विष्णु कुमार के पास जाकर, महाराज जी हमारे यहां चौका खाली। तो विष्णु कुमार ने कहा, जिनके यहां महाराज के हार हुए उनको तुम ले जाओ, जिन जिन के महाराज के हार हुए उनके हाथ तुम ले जाओ तो तुम्हारा हाथ लग जाएगा, फिर भी बच रहे। बोले जिनके यहां वो श्रावक के हार हुए उनके घर से एक जगह जाओ, यानी सारी समाज एक दूसरे के यहां भोजन कर लो। तब से रक्षाबंधन में अपने रिश्तेदारों को भोजन पे बुलाने की परंपरा चली। मूल परंपरा ये है, महाराज का हार नहीं हुआ तो जिसके घर में महाराज का हार हुआ उस श्रावक को ले गए, वो उस श्रावक से ले गया। ऐसा पूरे शहर में हस्तनापुर में एक दूसरे के यहां सबने आहार किए और बात्सल्य अंग की प्रभाव न हुई। दूसरे नगरों में समाचार पहुंचा, वहां महाराज तो जा नहीं सकते और श्रावक जा नहीं सकते, तो वहां क्या किया, वहां जाकर के उन्होंने घरों में जो दो चरण बनाए गए थे ना, दो चरण, सावन पूजा, सावन वर्षा बोलते कुछ नाम है उसका, सावनी सावनी क्या बोलते हैं, तो दो पैर जब आप नागल आदि करते तो दो पैर लगाते बेटे ऊपर, कुछ नहीं है बंधु, मुनिराज के चरण हैं। तो लोगों ने अपने दरवाजे पर महाराज के चरण बनाकर उनकी पूजा की और उनका पाठ प्रक्षालन करके गंदे तक लगाया और फिर अपने घर में मान लिया। तब से ये दरवाजे के सामने दो पैर लगने लगे, पगलिया कुछ भी बोलते हैं, सावना कुछ ऐसा नाम भी है उसका, कोई राज्यपुर तरफ बोलते उसका नाम। तो ऐसी करके और वो बना गए, और लोगों ने क्या किया, फिर उन महाराजों की कई लोगों ने पुतलियां बना ली और बना करके आज भी भारत में मुनिराजों के चरणों के सामने अथवा फोटो रख करके अथवा कोई मुनिराज की मुद्रा रख करके उसके सामने भोजन रखते हैं, महाराज को नमोस्तु करते हैं कि संसार में सब मुनिराजों का हार निरंतराय हो, निरोगमय हो, फिर भोजन करते हैं। ये परंपरा आज भी रक्षाबंधन है जीवित। ये निमंत्रण क्यों होते हैं रक्षाबंधन के दिन, इसकी खोज मैंने शास्त्रों से निकाली, पूज्य जनसेन स्वामी हरिवंश पुराण।